इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 22। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 22। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिए होमबलि की वेदी यही है। मंदिर के बनाने की तैयारी और उसमें की भांति भांति की उपासना और उपासकों का प्रबंध। तब दाऊद ने इस्राएल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए राज ठहरा दिया। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। सो दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलवाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाओ, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लोहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 100,000 किक्कार सोना और 1,000,000 किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको बढ़ा सकेगा, और तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष है। सोना चांदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। फिर दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है।